हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो आरआईएमसी के बुक्स के ऊपर है। बच्चे इनसे यूट्यूब में पूछ रहे हैं कि सर आरआईएमसी के लिए हम कौन सी बुक से पढ़ें, तो कुछ लिस्ट मैं आपको आज बताने वाला हूँ आरआईएमसी बुक्स की। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। मैथ्स के लिए सबसे पहले आप अपनी कोर्स बुक को पढ़िए जो आपके स्कूल में है, उसको सबसे पहले कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आप क्लास 8th की आरडी शर्मा कंप्लीट कर सकते हैं, धनपत राय पब्लिकेशन की वो बुक है। उसके साथ साथ लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो आपको प्रॉस्पेक्टस के साथ लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स मिलेंगे उनको आप जरूर सॉल्व कर दीजिए और एक सेपरेट कॉपी बनाइए आप मैथ्स के लिए सेपरेट कॉपी, ताकि रिवीजन के वक्त रिवीजन करने के लिए आपको इजी हो एट द एंड। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही कॉपी है उसमें आप इंग्लिश भी कर रहे हैं और जीके भी कर रहे हैं, सारी चीजें मिक्स मत करिएगा क्योंकि लास्ट में आपको मुश्किल हो जाएगी। चलो आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है सब्जेक्ट है आरआईएमसी के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश में ही फेल होते हैं। तो इंग्लिश अगर आपको प्रिपेयर करनी है तो सबसे पहले फिर से यही कहूँगा कि कोर्स की बुक पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए। उसके अलावा फिर आप रिम मार्टिन से इंग्लिश ग्रामर अच्छी कर सकते हैं और उसके बाद जोसेफ मेयर विश्वास एक बुक है, उससे भी आप अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं। उसमें राइटिंग पार्ट भी गिवन है, जैसे समरी हो गया, लेटर के फॉर्मेट्स हो गए, कैसे कॉम्पोजिशंस कैसे लिखने हैं और कुछ पिक्चर परसेप्शंस जो आपके डिस्क्रिप्शंस हैं वो कैसे करने हैं, मतलब एक फ़ोटो आपको दिखाई जाएगी एंड देन यू हैव टू राइट एन एसे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो सारे उस बुक्स में गिवन है, तो उसका एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। ओके, अब मैं जीके पे आता हूँ। जीके अगेन स्टैटिक भी है डेटा, उसमें स्टैटिक डेटा वो डेटा होता है जो चेंज नहीं होता, और कुछ डायनेमिक डेटा भी है लाइक करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स तो आपको पता है कि हर दिन चेंज होते रहते हैं, तो स्टैटिक डेटा के लिए आप ल्यूसेंट की जो जीके की बुक आती है उसको लीजिए, उसमें सारा स्टैटिक डेटा गिवन है, उसको भी आप नोट्स बना के करिएगा, उस बुक से पढ़े लेकिन ना हैबिट डाल दीजिए नोट्स लिखने की, क्योंकि लिखने से याद रहता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप उसमें ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, सिविक्स भी है, उसके अलावा और भी इश्यूज़ हैं उसमें, सारा दिया है। ठीक है, तो आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे जो करंट अफेयर्स आते हैं मंथली उनको आप फॉलो करें तो वो उतना काफ़ी होगा आप लोगों के लिए। उसके अलावा एक एटलस ज़रूर ले लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड की आप एटलस ले सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स हैं, लेकिन इन बुक्स को खरीदने से बेटा कुछ नहीं होगा, आपको इनको सिस्टमेटिकली पढ़ना होगा, तो उस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आप इन बुक्स को फॉलो करें। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो डाउट्स मैं आपके क्लियर करूँगा। और जो बुक्स की लिस्ट मैंने आपको दी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक्स डाले हैं, तो आप वहाँ से उन्हें परचेज कर सकते हैं। ये सारी बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स हैं वो आपको प्रॉस्पेक्टस के साथ ही मिलेंगे, वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती है। उसके अलावा मैं एक और बात बच्चों से कहना चाहूँगा कि बच्चे आप लोग चाहो तो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। उसमें ऐड होने के लिए आपको नीचे एक लिंक दिखेगा, आप उस लिंक में क्लिक करिएगा तो आप हमारे ग्रुप में ऐड जाएंगे। बेसिकली ये ग्रुप मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपके जो भी डाउट्स हों सब्जेक्टिव, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो जीके के हों, चाहे वो इंग्लिश के हों, तो आप स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं उसमें कनेक्टेड, तो कोई भी बच्चा आपको रिप्लाई करेगा या मैं भी आपको रिप्लाई करूँगा, तो उससे क्या होगा जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा उस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई एडिशनल मैसेजेस मत डालिएगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट वाले मैसेजेस आर नॉट अलाउड इन दैट ग्रुप। अगर मुझे लगा कि कोई बच्चा उसमें ऐसे मैसेजेस डाल रहा है तो उसको मैं उस ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो वो ग्रुप आप ही लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।